देखिए, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आप लोगों का अकाउंट्स का टीचर। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी बैंक रिकसेशन के बारे में कि बैंक रिकसेशन सर आप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो बिल्कुल करा सकता हूँ मैं। बैंक रिकसेशन के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊँगा, तो इसको हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे बैंक रिकसलेशन। बैंक रिकसलेशन को मैं आप लोगों को समझाने स्टार्ट करता हूँ। उसको समझाने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि बैंक रिकसलेशन जो है वो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं हम कि जिसमें हम अपने कंपनी के अकाउंट, यानी कंपनी के जो हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया है और बैंक की तरफ से जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, उन दोनों के दरमियान हम कंपेरिजन करते हैं। इसको हम कहते हैं बैंक रिकसलेशन। होता ये है कि इंडिविजुअल बेसिस पे या कंपनी लेवल पे हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो अपना अकाउंट बैंक में ओपन कराते हैं, ठीक है। जब अपना अकाउंट बैंक में ओपन कराते हैं तो हम उसका हिसाब किताब भी रखते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग खुलवा रहे हो तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मंथली हमारे पास एयर एंड में बैलेंस आ जाता है तो हम लोग देख लेते हैं, या हम जो है वो एप्लीकेशन के ज़रिए नॉर्मली मालूम करते रहते हैं। लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू उन्होंने ऑथराइज़ किया, वो बैंक से स्टेटमेंट डायरेक्ट मंगवा रहे हो, चाहे वो जाके फिजिकली मंगवा रहे हो, बैंक से मंथली बेसिस पे या किसी भी जगह जहाँ ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो डेली बेसिस पे वो क्या करते हैं कंपनीज, बैंक अकाउंट जो उन्होंने बैंक में खुलवाया होता है उसके स्टेटमेंट को यानी अपने पास लेके आते हैं और उसको अपने पास जो उन्होंने लिखा होता है उससे रिकनसाइल करते हैं। क्योंकि देखें, होता ये है कि हम जो भी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कैश पे से कैश पे जो है आपके पास कैश डिपॉजिट भी हो रहा है और कैश आप जो है वो निकलवा भी रहे हो, यानी हम पार्टीज को चेक दे रहे हैं और तुम्हारे अकाउंट से कैश निकल रहा है, हमारे पास कस्टमर हमें बैंक में पैसे जमा करा रहा है तो ये कैश डिपॉजिट हो रहा है। इस चीज़ की हम जो है तफसील के बारे में जानने के लिए, इससे अपडेट रहने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं। और साथ में हमने अपने पास भी स्टेटमेंट बनाया होता है जिसमें हमने लिखा होता है कि बैंक जो है वो उसमें हमने कितने अमाउंट जो है कितनी चीज़ें जो है वो भेजी हैं, तो कितने अमाउंट के हमने डिपॉजिट कराए, कितने अमाउंट से पैसे निकाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक रिकसलेशन के अंदर हम दो चीज़ें रिकनसाइल करेंगे, एक कैश बुक और दूसरी आपके पास आ जाती है बैंक बुक। कैश बुक हम कंपनी वाले मेंटेन कर रहे हैं और बैंक बुक बैंक मेंटेन कर रहा है, ठीक है। दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ जो है वो क्या क्लैश हो जाता है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रह जाती है। क्यों होता है ये कि हमने कोई चीज़ बैंक में डिपॉजिट कराई, बैंक ने उसको अपने पास बाद में रिकॉर्ड किया, यानी हमने मंथ के लास्ट में ऐड कराए थे पैसे, जमा कराए थे, हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे पास पैसे आ गए हैं लेकिन हमने अपनी कैश बुक में, लेकिन जब बैंक के पास जब देखा बैंक के स्टेटमेंट में तो बैंक के स्टेटमेंट में थे ही नहीं, क्योंकि बैंक ने अभी तक वो हमारे उसमें अकाउंट में जमा नहीं किए। तो इस तरह का फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा बैंक ने कोई गलती कर दी या फिर हमने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर दोनों तरफ क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। या फिर कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए, हमें पता नहीं है, हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसमें ये होता है कि हम इस चीज़ को क्या करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, यानी हम अपने स्टेटमेंट को सामने रखते हैं, कैश बुक के स्टेटमेंट को और बैंक के स्टेटमेंट को, और दोनों को क्या करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, यानी उसको दोनों को रिकनसाइल करते हैं, जो भी मिस्टेक दोनों तरफ से हुई होती है उसको हम करेक्ट करते हैं और उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इस करेक्शन और एडजस्टमेंट को हम बैंक रिकनसलेशन कहते हैं, इसलिए स्टेटमेंट का नाम पड़ा है बैंक रिकनसलेशन स्टेटमेंट, कि जिसके अंदर हम कैश बुक और बैंक बुक का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ चीज़ों का आप लोगों को बेसिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कि नंबर वन आ जाता है आपके पास कैश बुक में कुछ चीज़ें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें लेस होंगी, इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कह रहे हैं कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए। अब कस्टमर अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, डायरेक्टली बैंक में जमा करा देता तो बैंक में तो जमा हो गया, अब जो चीज़ बैंक में आ रही है वो हमारे पास भी रिकॉर्ड में आनी चाहिए ना, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक के अंदर ऐड कर लेंगे। इसीलिए हमने इसको क्या करेंगे, कैश बुक के अंदर इसको
ऐड करने के। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास इंटरेस्ट। बैंक की तरफ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बैंक की तरफ से हमें मिल गया लेकिन हमारे कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हमने अपनी बात स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया था कंपनी के बैलेंस में, तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद डिविडेंड बैंक ने हमें दे दिया। डिविडेंड क्या होता है कि जो हमने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी शेयर्स में, उसके पैसे हम लोगों को मिले, तो ये भी हम लोगों ने रिसीव कर लिया, लेकिन बैंक ने रिसीव कर लिया लेकिन हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको भी कैश में ऐड कर लेंगे। बैंक प्रॉफिट, बैंक की तरफ से किसी को हमको प्रॉफिट मिला या प्राइस बॉन्ड की तरफ से प्राइस बॉन्ड मिला हम लोगों को, तो बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया लेकिन हमें अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हम उसको क्या कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि रिकंसिलेशन में हम कर यही होता है कि जो चीज़ रह गई है हमने उसको क्या कर रहे हैं बेसिकली एडजस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह ऑल टाइप्स ऑफ कलेक्शन एंड रिसीव्स ऑफ मनी डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक की तरफ से जो भी ट्रांजेक्शन हुई है किसी भी किस्म की जो बैंक में पैसे आए हैं, तो उसको हर तरह की उसको हम क्या करते हैं कैश में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने बैंक कैश बुक में ऐड नहीं किया होता है, इसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब इस इंफॉर्मेशन आ गई तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा कैश का बैलेंस बैंक बैलेंस के बराबर हो जाएगा, दोनों बैलेंस को बराबर होना चाहिए। कुछ चीज़ें लेस होती हैं जैसे कि पेमेंट ऑफ नोट बिल पे बिल, बैंक की तरफ से कोई पेमेंट हुई है तो वो क्या कर देते हैं हम लेस कर देते हैं। ठीक है, नहीं हम बैंक की तरफ से पेमेंट हुई है लेकिन हमारे कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। इंटरेस्ट बैंक ने पे कर दिया है, पेड बाय बैंक, ठीक है उसको भी हम क्या करेंगे लेस कर दें, इंटरेस्ट यानी हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हुए। बैंक चार्जेस हैं वो भी कटे हैं, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हम इसको क्या कर रहे हैं कैशबुक पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को हम कैशबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी डिडक्ट कर रहे हैं इसको। क्लियरेंस चार्जेस हैं और जो कि इसी तरह बैंक चार्जेस की तरह ही होते हैं। ज़कात डिडक्ट हुई, डिसऑनर चेक, ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक और ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डिडक्शन बाय बैंक, हर तरह की क्या कर लेते हैं हम लोग डिडक्शन जो हुई हैं लेस कर लेते हैं। अच्छा, ये एनएसएफ चेक या डिसऑनर चेक किसको कहते हैं? एनएसएफ चेक का मतलब होता है नॉट सफिशेंट फंड, होता है कि कस्टमर ने हम लोग को चेक किया, हमने किसी से पेमेंट लेनी थी, कस्टमर ने हम लोग को चेक किया, हमने अपने बैंक में जमा करा दिया, हमने सोच लिया कि भाई हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे लेकिन हमारे बैंक में पैसे नहीं आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसने हम लोगों को चेक किया था उसके अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं। फॉर एग्जांपल उसने हमें चेक दे दिया 20,000 का जबकि उसके अकाउंट में तो 15,000 रखे हैं, एक तरह से उसने फ्रॉड किया, यानी कम पैसे जो है वो थे उसके पास। तो बैंक हमें कभी भी जो है ऐसा नहीं कि 15,000 चार्ज दे दे और फिर कह के 5,000 बाद में देंगे, नहीं, बैंक को तो 20,000 ही चाहिए थे जो कि हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर पाएंगे, लेकिन जब उसके अकाउंट में थे ही नहीं कि वो उतने पैसे निकाल के हमारे अकाउंट में जमा करे, तो वो हमें चेक वापस आ गया। जब हमें चेक वापस आ गया तो हमने उसको अपने कैशबुक के अंदर लेस कर लिया, क्योंकि हमने कैशबुक के अंदर ये रिकॉर्ड कर लिया था कि पैसे आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे उसको लेस कर लेंगे। ये तो थे कैशबुक के कुछ रूल्स। दूसरे आ जाते हैं आपके पास बैंक के, बैंक बुक को हम पासबुक भी कहते हैं। होता ये कि हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो लेट डिपॉजिट हुए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, बैंक में जमा पैसे नहीं हुए, अभी बैंक की गलती, बैंक उसको क्या करेगा बाद में डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसका मतलब ये है कि डिपॉजिट अभी क्लियर नहीं हुआ, यानी ये भी अभी जमा नहीं हुआ। अनक्लियर चेक, चेक हमने जमा कराया पेमेंट के लिए लेकिन किसी वजह से जो है वो बैंक के पास अभी वो ऐड नहीं हुआ। ठीक है, ये सारे क्या हैं बैंक की तरफ से ये ऐड कर लिए जाएंगे, जितना से लेट डिपॉजिट, डिपॉजिट एंड ट्रांजिट सबकी नेचर सेम ही है कि बैंक ने अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं। चेक के, चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, चेक हमने जमा कराया लेकिन बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया। एनी एरर मेड बाय बैंक दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक ने स्टेटमेंट ने कोई ऐसी गलती कर दी बैंक ने कि हमारे स्टेटमेंट में कम पैसे शो हो रहे हैं, तो उसको बैंक क्या कर देगा, वो जितने कम पैसे शो हो रहे हैं उसको ऐड कर लेगा। अनरिकॉर्डेड चेक, जो उसने चेक रिकॉर्ड नहीं किए हैं उसको भी ऐड कर लेगा। इस तरह से ये बैंक ये सारी एडजस्टमेंट करेगा अगर किसी किस्म की आती है तो। इन सब के बारे में आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ और आगे हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे। लेस कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक या अनपेड चेक एक ही बात है, यानी ये वो चेक हैं जो हमने बैंक को दिया
कि हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के फलाना सप्लायर को पे कर दे, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे बैंक से वो पैसे नहीं निकाले हैं, पेंडिंग में है वो, ठीक है। इसलिए इसको पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग या अनपेड चेक भी कहते हैं। दूसरा ये आ जाता है आपके पास चेक इशूड बट पेड बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक चेक जो इशू तो हो गया लेकिन बैंक ने जो अभी तक उसको बैंक में शो नहीं हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, पैसे हमारे नहीं निकले। अनप्रेजेंटेड चेक ये उसी तरह ही है। एनी एरर, कोई भी एरर जिसकी वजह से बैंक दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन बैंक स्टेटमेंट, जिसकी वजह से हमारा बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाए, तो बैंक उसको क्या करेगा, फिर सही करेगा और अपने हमारे अकाउंट में से पैसे को लेस कर लेगा, जितने की गलती की उसने वो उतने पैसे निकाल देगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट ओवरव्यू, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इस तरह के टॉपिक को भी कवर करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।